मामूली से नाम की खातिर कुछ लोग अपनी जान किस हद तक जोखिम में डालते हैं, इसका एक नमूना बैतूल में होने वाले जेरी नाम के आयोजन में देखा जा सकता है, जहां पर 30 से 80 फीट तक ऊंचे और आयल से पूते हुए खंभे पर बंधे हुए 101 या 251 रुपयों को हासिल करने के लिए कुछ युवक 3 रस्सियों के सहारे खंभे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। खंभे पर चढ़ने वाले के पास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। यहाँ पर जीतने वाले को एक छोटा सा इनाम तो मिल जाता है, लेकिन हारने का मतलब जिंदगी भर के लिए अपंगता या फिर मौत। लगभग 30 से 80 फीट तक ऊंचे लकड़ी के इस खंभे को आदिवासी जेरी कहते हैं। इस जेरी पर फतह पाना कोई आसान काम नहीं है। यहां जीत का मतलब है इनाम और जरा सी चूक यानी कि मौत। सदियों से आयोजित हो रही इस जेरी को लेकर स्थानीय किंवदंतियां हैं, जिसके अनुसार रावण पुत्र मेघनाथ को सम्मान देने के लिए जेरी का आयोजन किया जाता है। खंभे को खास तौर पर आयल और ग्रीस से पोतकर चिकना कर दिया जाता है, जिससे इस पर चढ़ने वाले का कड़ा इम्तिहान हो सके। लेकिन कुछ सनकी ऐसे भी हैं जो बिना किसी सुरक्षा के केवल भगवान भरोसे इस कठिनाई को पार करते हैं। इन्हें अपनी जान से ज़्यादा अपने गांव की लाज बचाने की फिक्र होती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद कोई एक विजेता बनता है, लेकिन इसमें शामिल होने वालों को आखिर तक डर ही लगता रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पंचायत से कई बार यहां सुरक्षा बढ़ाने और इनाम की राशि में इजाफा करने की मांग की, लेकिन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि सरपंच को यहां पर सुरक्षा के इंतजाम जरूरी भी नहीं लगते हैं। ना केवल पंचायत बल्कि पुलिस भी इस आयोजन में केवल दर्शक का ही रोल निभाती है। अगर अचानक कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस के अलावा कोई दूसरी मदद नहीं मिल सकती। अब सवाल यह है कि परंपरा के नाम पर जान से जोखिम आखिर कब तक? क्यों प्रशासन ऐसे आयोजनों को सुरक्षित बनाने के लिए जोर नहीं देता? क्यों लोग अपने मनोरंजन के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं? आखिर क्यों मामूली सी नाम की खातिर लोग अपनी जान का सौदा तक तय कर देते हैं? आखिर बहादुरी और मूर्खता में कुछ तो फर्क होता है। 50 साल हो गए ये हम पैदे नहीं बचे, उससे पहले से भरा रहा है। किस तरह से भरता है यहाँ पे मेला? ये समय में आता ना जब भरता है मेला। जेरी कितने फीट की और कैसे चढ़ते हैं? 30 फीट की है और रस्सा के बल पे चेंगते, आयल ग्रीस रहता है, रेता मिक्सचर रहती, जान पे बाजी लगा के चेंगना पड़ता है। कितने फीट है? 30 फीट है। 30 फीट, कभी कोई दिक्कतें नहीं होती आपको चढ़ने? नहीं। यहाँ पे कोई प्रशासन की सुविधा वगैरह होती है यहाँ पे? कभी कोई घटना हो गई तो? नहीं, वो कुछ नहीं। क्या मिलता है तुमको इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं मिलता, जिसमें जुनून है चेंग सकते ना, तो बस। कोई पैसा वैसा मिलता? पैसे वैसे नहीं, बाजार में घूम लेते तो मिल जाता, तो नहीं मिलता। तो फिर इतना रिस्क क्यों लेते हो आप? इतना रिस्क आप किस में जुनून पैदा है चेंग सकते, बाकी कोई नहीं? नहीं सर, ये तो किसी को नहीं पता। कहते हैं कि ये सैकड़ों साल पुराना मेला है, और इस मेले के बारे में ये कहा जाता है कि ये बैतूल जिले का सबसे पहला मेला आरूल में लगा था। ऐसा बताते हैं कि 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है पुस्तक में। उल्लेख है? हाँ, इसका उल्लेख है कि ये मेघनाथ का मेला कहते हैं, और ये मेघनाथ के मेले में सबसे पहला मेला गांव आरूल में लगा था। अच्छा, किस तरह से यहाँ पे जेरी वगैरह बन गई थी? यहाँ पे लगभग 30 से 35 फीट की जेरी है, जिसकी पुताई होती है, काला रंग पोतते हैं उसको, और उसमें आयल ग्रीस एलोवेरा सारी चीज़ चिकनाई युक्त चीज़ें पोत मिला के उसको पुताई होती है उसकी। कैसे चढ़ते हैं इस पर? किस तरह? इस पे रस्सी का सहारे चढ़ते हैं लोग, आपने देखा होगा शायद, आपने देखा भी होगा। कैसे इस पे कोई कभी कोई घटना नहीं? इस पे आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम? सुरक्षा को लेकर इंतजाम ये है कि कभी पुलिस आती है कभी नहीं आती है, पर यहाँ कोई लड़ाई झगड़े अभद्र ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं इसको? इसको ये आयोजन हमारे यहाँ के गांव के पटेल है शुक्ला जी, उनके द्वारा किया जाता है। वो उनके तरफ से कभी 1001 कभी 2001 रुपए जो उनकी श्रद्धा होती है वो दे देते हैं। उसके बाद गांव वालों की तरफ से दिया जाता है कुछ पारितोष, और सब मिलकर इसका आयोजन करते हैं।